देखो भाई, खड़े हो के पीना भी सुन्नत, उसी वकील बड़े तनकीदी होते, फतवा ना ठोक दे भाई, क्योंकि यहाँ बैठ के पीने की मजाल कोई नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने खड़े हो के पानी पिया। हज़रत अली इमामुल हुदा भाई, नारे ना लगा, नारायण लगाना, नारायण लगाना, ओ मेरे भाई नारायण ना लगाना। यूं पानी पिया खड़े होके, फिर फरमाया मैंने अल्लाह के नबी को देखा यूं पानी पीते हुए। अच्छा, अल्लाह के नबी कह रहे हैं बैठ के पानी पियो, तो इसमें जोड़ क्या है? इसमें जोड़ ये है, जहां बैठने में आसानी हो खड़े होके नहीं पीना चाहिए, जहां बैठने में मुश्किल हो, मेरा नबी सहूलत के लिए आया है, मशक्कत के लिए नहीं आया, सुख देने आया है, तकलीफ पहुंचाने नहीं आया। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, मेरा रब कह रहा है मैं तुम्हारे लिए आसानी चाहता हूं, तंगी नहीं चाहता। तो मैंने इसलिए कह दिया कि एक तो हमें दीन का पता नहीं, दूसरा ये कि हमें अहकाम का वजन का नहीं पता कि ये मुस्तहब चीज़ है और इसका ताल्लुक सेहत से है, शरीयत से नहीं। मेरे नबी ने कहा तीन सांस में पियो, खड़े हो के ना पियो, ये हलाल हराम की बात नहीं, ये तिब्बी लिहाज से मेरे नबी फरमा रहे हैं। एक सांस में पी लो कोई मसला नहीं, खड़े हो के पी लो कोई मसला नहीं, कोई गुनाह नहीं, बैठ के पियो तो आपको अजर मिलेगा। और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ बैठना तकल्लुफ है, तो मेरे नबी ने खड़े होकर भी पिया और बैठ कर भी पिया, अपनी उम्मत की सहूलत के लिए, अपनी उम्मत की आसानी के लिए। लेकिन आपने तीन दिन तरावी पढ़ाई, मजमा भर गया, चौथे दिन आई नहीं, अब देखते रहे सहरी तक सहाबा बैठे रहे, अब नहीं आए, वो सारे सहाबा सहरी पर चले गए। जो फजर की नमाज में आए तो फरमाया मैं देख तो रहा था तुम बड़े शौक से आए हो, लेकिन मुझे डर लगा कि अगर मैंने आज भी पढ़ा दी तो कहीं तरावी फर्ज ना हो जाए, लिहाजा मैं अंदर ही बैठा रहा। अपनी उम्मत पर शफकत, मोहब्बत और रहमत, चूँकि मैं दीन का पता नहीं है तो फिर मिजाज भी माशाल्लाह थोड़ा वड्डा ही तनकीदी होता, कोई फतवा ना लग जाता, मेरी सारी गाली कदम अल्लाह, एक गड़ा मौलवी खलो के पानी पींदा। तो इसलिए मैंने आपके लिए पर वाजे कर दिया ताकि आप मुझे माफ़ फरमाएं, ये भी सुन्नत है।